देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से कीमत 80 रुपए से पार पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत में हुए बढ़ोतरी से जन आक्रोश और विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लगातार हवा देने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार का यह कहना है कि कीमत कम करने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि भारत में पेट्रोल के दाम भले ही आसमान छू रहे हैं, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां पेट्रोल की कीमत बहुत कम है। तो आइए जानते हैं दुनिया में वो कौन कौन से देश हैं जहां पेट्रोल की कीमत है काफी कम। आपको शायद ही यकीन होगा कि वेनेजुएला में एक लीटर पेट्रोल की कीमत खाली 65 पैसा है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल इस देश में मिलता है। गल्फ देशों में जहां कच्चे तेल का भंडार है, वहां भी इतना सस्ता पेट्रोल नहीं मिलता है। सऊदी अरब में पेट्रोल जहां 15 रुपीज प्रति लीटर की दर पर बिकता है, वही एशियाई देश मलेशिया में इसकी कीमत करीबन 33 रुपीज प्रति लीटर है। ईरान में एक लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 20.43 रुपए के बराबर कीमत देनी होती है। सूडान में पेट्रोल की रेट 22.67 रुपए प्रति लीटर है। कुवैत में पेट्रोल की कीमत 23.83 रुपीज प्रति लीटर है। अल्जीरिया में एक लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 24.51 रुपए चुकाने होते हैं। पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 49.47 रुपए है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे देशों की जहां पर सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है। सबसे महंगे पेट्रोल बेचने वाले देशों की बात करें तो आइसलैंड में 145 रुपीज, हांगकांग में 144 रुपीज, नॉर्वे में 139 रुपीज, नीदरलैंड में 133 रुपीज और डेनमार्क में 132 रुपीज प्रति लीटर के लगभग दाम है। खास बात ये है कि ये सारे देश विकसित है और यहाँ के लोगों की लाइफ और इनकम काफी बेहतर है। वहीं पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल में 69 रुपीज, श्रीलंका में 64 रुपीज, भूटान में 57 रुपीज, बांग्लादेश में 71 रुपीज, चीन में 81 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इंडियन ऑयल कंपनी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 76.87 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं मुंबई में यह 84.70 के स्तर पर मिल रहा है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।